ये नहीं देखता है कि बच्चे को कोई इश्यू है क्या, उसको कोई प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम इन द सेंस, क्या उसे रीडिंग आ रही है, क्या उसे राइटिंग आ रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम एरिया है, वो सब कुछ नहीं। बस ये इतना सिलेबस है, 3 महीने के बाद एग्जाम होगी और उसको रेडी कर देना है, ठीक है। नहीं आ रहा है अगर उसको, तो उसको डिमोटिवेट किया जाता है, उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उन्हें ना सही तरीके से इंग्लिश आ रही है, ना सही तरीके से हिंदी आती है, ना उनको अदर कोई इंडियन लैंग्वेज आती है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं 5th में आने के बाद 6th में आने के बाद भी, जब मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या आपको हिंदी पढ़ना आता है, नहीं, गुजराती पढ़ना आता है, नहीं, इंग्लिश पढ़ना आता है, नहीं, सही तरीके से नहीं आता है। सो वॉट इज़ दिस, क्या है ये? कोई भी लैंग्वेज जब बच्चे को 10 या 11 साल की एज तक में पहुंचने के बाद सही तरीके से पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्या पढ़ाई का मतलब है? और इसका क्या रिजल्ट होता है? बच्चे खेलने में समय बिताते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो टीवी और मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आ रहा है। तो न्यूज़पेपर है या फिर कॉमिक बुक्स है या फिर स्टोरी बुक्स है, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में, टीवी देखने में और मोबाइल में गेम खेलना या फिर वीडियोस देखने में जाता है। आज मुझे एक 26 साल की लड़की का मैसेज आया कि फैमिली की कंडीशन अच्छी होने के कारण मम्मी पापा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, बट इंग्लिश उसको शुरू से समझ में नहीं आई। किसी तरह से 10th स्टैंडर्ड तक उसको पास कर दिया गया, बट उसे कभी भी इंग्लिश सही तरीके से समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो चैप्टर्स पढ़ नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी। और 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद 4 बार वो 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में फेल हुई। आप समझ सकते हैं कि उस लड़की की क्या पोजिशन रही होगी। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, आज भी बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अपनी आन बान शान के लिए इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा देते हैं पेरेंट्स, बट उसकी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता है। क्या बच्चा सही से स्टडीज़ को समझ पा रहा है, उसे लैंग्वेज सही से समझ में आ रही है, क्या उसके उसको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। बस सिर्फ एग्ज़ाम में पास होकर आगे बढ़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 26 ईयर्स के एज में भी उस जब वो लड़की कुछ नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ के साथ, शी इज़ फीलिंग रियली बैड। तो आप सोचिए इस तरह के बच्चों की क्या पोजीशन होगी। जो हम लोग केस देखते हैं 10th स्टैंडर्ड में बच्चे ने ये कर लिया, ये कदम उठा लिया, वो कदम उठा लिया, क्यों? इतनी बार फेल होने के बाद और बच्चा क्या कर सकता है? उसको उस चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है और उसकी प्रॉब्लम समझने वाला कोई नहीं है। सिर्फ उसको जज किया जाता है कि तुम्हें ये नहीं आ रहा है, तुम्हें वो नहीं आ रहा। हमें यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत होती है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम में, अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, उन्हें रीड करना नहीं आता है, उन्हें स्पेलिंग्स लर्न नहीं होती है, तो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। 7th 8th स्टैंडर्ड तक पहुँचने के बाद बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से रियलाइज़ होती है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पर है। और उस समय उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह लोग उसे जज करते हैं कि तुम तो अब इतने बड़े हो गए, इतने सालों से पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो। शुरुआत से उसकी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करो, रटो और जाकर एग्ज़ाम दे करके आ जाओ, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, एग्ज़ाम देकर आ जाओ। इवन कि ट्यूशन क्लासेस में भी यही होता है, कोचिंग क्लासेस में भी यही होता है। 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कोई क्लास में जा रहा है और वहाँ पर अगर उसको रीडिंग राइटिंग नहीं आती है तो उसको जज किया जाता है, उसको ये बोला जाता है कि तुम्हें आ नहीं रहा, ये आपका बच्चा सही नहीं है, इसको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। इवन 3rd 4th स्टैंडर्ड में भी अगर रीडिंग राइटिंग नहीं आती है तो उनको इसी तरह जज किया जाता है। कोई सिखाता नहीं है क्योंकि अब तो उसको क्वेश्चन आंसर लर्न करने का टाइम आ गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। मेरे पास आते हैं पेरेंट, मैम इसको एग्ज़ाम की तैयारी करवा दीजिएगा, 5th स्टैंडर्ड में है। बट 5th स्टैंडर्ड में तो कोई ज़रूरी है कि वो उसका वो बेसिक क्लियर ही होगा? हो सकता है उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको क्या करवाना है? उसका बेसिक क्लियर करवाना है, चाहे वो 7th में है, चाहे वो 8th में है, चाहे वो 10th में भी क्यों नहीं है। आज के समय में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, रीजन कि हमें जो तकलीफ आई वो बच्चों को नहीं आनी चाहिए। तो ये जो बच्चों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए लेकिन फिर भी बच्चे तकलीफ में हैं, पेरेंट भी तकलीफ में हैं, कितनी सारी लेडीज हैं, कितनी सारी मदर्स हैं जॉब छोड़ के बैठी हुई क्योंकि बच्चों को हम सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको सही गाइडेंस मिले कि बस आपको इतना ही करना है, सही तरीके से एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे, क्वालिटी एजुकेशन दे कि आगे जाकर के उनको
ये ना फील हो कि हमें सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, हमें सही चीज़ें नहीं मिली। और जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिली होती है। हर जगह स्किल की बात होती है लेकिन स्किल्ड एजुकेशन नहीं मिली होती। तो उस चीज़ को बच्चे आगे जाके फेस ना करें। लेकिन सोचिए, जब अयोग्य होने की वजह से इन छात्रों को भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी तब क्या होगा? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्या ये भविष्य के बेरोजगार बनेंगे? अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? रीडिंग पे। ये सी लेवल पर आकर के बच्चे रुक जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये लेवल क्लियर हो जाता है तो ये एंड ये यहां तक आकर के रुक जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात कहाँ आती है कि जैसे जब समझाया जा रहा है टॉपिक को उस समय वो उसने समझ लिया, लेकिन जब खुद से चैप्टर को पढ़ के रिवाइज करने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, तो बच्चे जब नहीं समझ पाते तो उसको वो ये लेवल है और वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं मेमोरी में जब तक वो रिवीजन नहीं होता है टाइमली बच्चों का। यहाँ तक तो पहुँचने की बात ही नहीं आती है, यहीं पर आकर के रुक जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी इसी लेवल पर आके रुक जाते हैं, फिर अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं। खासकर इंग्लिश मीडियम में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बच्चों को। जब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी बच्चे दूसरी जो स्टडीज़ होती है लाइक ईवीएस है, मैथ है, या जीके, कंप्यूटर, ये सारा कुछ सब कब बच्चे अच्छी तरह से समझ और कर पाते हैं इंग्लिश मीडियम में? जब उनकी इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्ट है। तो उनको रीडिंग आ रही है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वो खुद से पढ़ पा रहे हैं, वो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तभी हम ये समझते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। अगर वो क्वेश्चन समझ पाते हैं, आंसर दे पाते हैं, तो वो स्टडीज़ को लाइक भी करते हैं, क्योंकि जब वो आंसर दे रहे हैं, जब उनको चीज़ें समझ में आ रही है, तो उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका मीनिंग उसको समझ में आता है, जो वो रीड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर रीड कर रहे हैं, चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो उनको उसका मतलब समझ में आता है एंड दे आर एबल टू रिलेट इट विद देयर नॉर्मल लाइफ। तभी हम समझ सकते हैं कि बच्चे एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर एक्सीलेंस होता है तो बच्चे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में स्टैंड कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि CBSE, ICSE, IB बोर्ड या फिर इंटरनेशनल बोर्ड, कोई भी जगह पर बच्चा अगर आपका स्टैंड कर सके, तो उसके लिए हमें बच्चों को एक्सीलेंस की तरफ ले जाना पड़ता है। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों का बेसिक क्लियर करना।